नमस्ते, कृतिका किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ तीज की बहुत ही स्पेशल सी है रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। तो देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप लिया है भुने हुए चने का आटा, जिसे हम सत्तू भी बोलते हैं, और हाफ कप लिया है मैंने पिसी हुई चीनी का पाउडर, और एक चौथाई कप देसी घी लिया है। आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले हम गैस पे रख लेंगे कढ़ाई, और गैस की फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसके अंदर डालेंगे देसी घी और घी को अच्छे से हम गर्म कर लेते हैं। दोस्तों, यह रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है, और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि इसके आगे बेसन के लड्डू भी फेल हैं। तो दोस्तों, घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं भुने हुए चने का आटा, और इसे हम 2 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि चना पहले से ही भुना हुआ है, बस इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इसलिए हम इसे घी में अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों, अच्छे से दानेदार होने तक इसे 2 मिनट हम चलाते हुए भून लेंगे। अभी तो ये काफ़ी गीला हो गया है, घी में एकदम डूब चुका है आटा, इसे हमें अभी 2 मिनट चलाते हुए भूनना है। जैसे ही ये भुन जाएगा, ये एकदम दानेदार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर ही हम इसे भूनेंगे, तेज आंच पर नहीं भूनेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा दानेदार ये आटा हो चुका है। अब इसे हम गैस पर से उतार लेते हैं और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। ठंडा हमें इसे इतना करना है कि इसमें हम अच्छे से हाथों से बूरा डालकर मिला सकें। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी और डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा घी मुझे कम लग रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये बूरा पिसी हुई चीनी, और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे मिला सकते हैं। अच्छे से एकदम मिला देना है बूरे को। दोस्तों, बूरा आप जब बिल्कुल अच्छे से ये आटा ठंडा हो जाए उसके बाद ही मिलाएं, गरम गरम में ना मिलाएं। अब इसके अच्छे से हम लड्डू बांध लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिश्रण तैयार हो गया है, अब इसके हम लड्डू बांध लेते हैं। छोटे बड़े जैसे भी आपको लड्डू बनाने हैं, आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह लड्डू अक्सर तीज पर बनाए जाते हैं, बहन बेटियों को सिंधारा पहुँचाया जाता है, उसमें यह लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं। यह राजस्थान में की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मिठाई है, जो कि अक्सर तीज पर बनाई जाती है। दोस्तों, आप इस तरीके से सत्तू के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट मिश्रण के अंदर भी मिला सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करें। ऊपर से लगा देते हैं लड्डू में, ताकि देखने में ये अच्छे लगे। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी इसमें लगा सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा हमारा दानेदार ये लड्डू बनके तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।